रतनपुरी क्षेत्र में 2 महीने पहले सुनार के साथ लूट हुई के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव भानबड़ा गांव के भट्टे पर नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यापारी को अपना निशाना बनाया था, जिससे 15,000 रुपये व सोना चांदी के कुछ गहने लूट कर फरार हो गए, जिसमें पुलिस जांच में जुटी थी। पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बड़ी मुश्किल के साथ ये शातिर आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने इनका खुलासा कर जेल भेज दिया है। ये जिस घटना का हम वर्कआउट कर रहे हैं आज हम, ये घटना 17 सितंबर की है। ये गांव भरवाड़ा में एक लूट हुई थी, जिसमें मोबाइल 1500 रुपये और जेवरात गए थे। तो उसी इस नजर में पुलिस क्योंकि काम कर रही थी, तो पुलिस ने एक मुलजिम को पकड़ा है, रिजवान और पप्पू को, जिसके पास से उसने घटना के इस्तेमाल किया और घटना में जो लूटा गया सामान था वो बरामद हुआ है। मोबाइल है, जेवरात है और 300 तमंचा। आपराधिक इतिहास तो अभी देखा जा रहा है, इसका आपराधिक इतिहास। हाँ, 3 अभियुक्त थे, जिसमें 2-1 गिरफ्तार किया, 2 लोग फरार हैं अभी, उनको भी तलाश की जा रही है, जल्दी हम उसमें गिरफ्तार करेंगे। सर कहाँ ये घटना हुई थी? ये भनवाड़ा में घटना हुई थी, ग्राम भनवाड़ा रतनपुरी के अंदर।